अमरीश राय, बिजनेस वर्ल्ड के बेताज बादशाह। शहर भर में आपके नाम का डंका बजता है, गरीब आपकी मेहरबानियों पर जीते हैं। आप हैं श्रीमती पद्मा राय, खुश नसीबी आपको पति की तरफ से नजराने के रूप में मिली। आज राय साहब का इकलौता बेटा विक्रम राय यानी विकी 4 साल के बाद अमेरिका से वापस आ रहा है। इनकी आंखों में खुशी के साथ साथ इंतजार की बेताबी। बाप अपने इकलौते बेटे को सीने से लगाने के लिए बेताब है, तो मां अपने नूरे नजर का सदका उतारने के लिए बेचैन। आप हैं राय साहब के जनरल मैनेजर और बचपन के दोस्त जनाब आबिद खान, और आप असलम खान, आबिद खान के साहबजादे और विकी के बचपन के दोस्त। आपसे मिलिए। आप हैं राय साहब के स्वर्गवासी दोस्त यशवंत सिंह की बेटी निशा, राय खानदान की होने वाली बहू, और ये हैं रंजीत, निशा के बड़े भाई और राय साहब के चाहत अनवर गाफिल, नाम और मिजाज से शायर। वैसे ये पद्मा की मुंह बोली बहन शमा खातून के शौहर हैं, और इनके साथ इनकी बेटी है सलमा। सलमा असलम पर फिदा है, मगर असलम लड़कियों से कोसों दूर भागते हैं। इन सबको इंतजार है विकी का। लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, वो आ रहा है विकी। Welcome, my son. Welcome. Mama, I love you, Mama. Bede, abhi dhan kaise milu? Hello, Uncle. Hey, jeeta ho beta. Koi kaam nahi. Vicky beta, tum akeli aaye ho. मैं समझा कोई मीम लेके आओगे। अरे कैसे लाता, हमें जाकर देखते तो लेकर आता। Hi, Uncle. देखे। How are you, man? बस अपनी वही रफ्तार पुरानी जो पहले थी, सो अब भी है। हेलो निशा। हाय विकी, तुम तो पहले से ही बहुत हैंडसम हो गए हो। निशा, मैं तो वही हूँ, लेकिन तुम्हारे देखने का ढंग खूबसूरत हो गया है। एक्सक्यूज मी। हेलो अंकल। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटे। थैंक यू अंकल। तस्लीम भाईजान। तस्लीम सलमा, तस्लीम। मौसी का वो उसकी कुछ तबीयत जरा खराब है। सुसान, यस, हाउ आर द स्टेट्स? सुपर्ब डैड। आई एम रियली प्राउड ऑफ योर रिजल्ट। तुमने वाकई बहुत अच्छा किया, कीप इट अप। थैंक यू डैडी। तेरी छुट्टियां कितने दिनों की है बेटे? 3 महीने की मामा। अच्छा, लेकिन मेरे कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स ने यूरोप में छुट्टियां मनाने का प्रोग्राम बनाया, एंड आई थिंक आई जॉइन द मामा। ये क्या बेटी, अभी आ रहे भी जाने की बात कर रहा है। कह दो इसे कैंसिल कर दे यूरोप का टूर। कैसी बातें कर रही हो पद्मा, बच्चों के प्रोग्राम में कभी दखल नहीं देना चाहिए, और वैसे भी ये तो इनकी उम्र है घूमने फिरने की, और घूमेंगे फिरेंगे तो कुछ सीखेंगे ही। क्यों बेटे, कब जाने का प्रोग्राम है? नेक्स्ट वीक। प्लीज डोनेट। डोनेट प्लीज, डोनेट फॉर अ गुड कॉज। वेयर आर योर मैनर्स माय सन? देयर इज अ यंग लेडी आस्किंग यू समथिंग। आई एम सॉरी डैड। Just one coin. I'm sure you can afford much more. You see, what happened is that I just landed and I don't have any Indian currency, ma'am. Ye lo bete. Thank you, ma'am. That's better. Now here's a flag for you. Thank you. Donate, please. एमएम साहब, कहाँ ध्यान है आपका? सॉरी, थैंक यू। और असलम मियां, ये वीडियो कैमरा तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी मच विकी। कीप इट गोइंग, इट्स रियली फैंटास्टिक। क्या बात है,
वंडरफुल माय बॉय, वंडरफुल। विकी बेटे, तुम सबके लिए तो बड़े अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आए, मगर हमारे लिए तुम। हाउ कुड आई फॉरगेट यू डैड, हाउ कुड आई। मैं आपके लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जिसे आप सिर्फ चूमेंगे ही नहीं बल्कि हर वक्त होठों से लगाए रखेंगे। रियली? या व्हाट्स दैट? ओह वाओ, ब्यूटीफुल। आई न्यू यू वुड लाइक इट, आई न्यू इट। अब हम भी तुम्हें एक लाजवाब तोहफा देंगे। रियली? या रियली। माँ की गोद से उतरकर जिस जमीन पर तुमने पहला कदम रखा था, हमने उसी जमीन पर तुम्हारे लिए एक बेहतरीन प्ले हाउस बनाया है। ये है उसका मॉडल। It's dynamite, Daddy. You deserve it, my son. Vicky, Mama. पता लाया ना बेटा? It's beautiful. वाह अंकल, वाह! आज तक ऐसा लाजवाब तोहफा इसी बाप ने किसी बेटे को कभी नहीं दिया होगा। वाह! रंजीत, ये तो शुक्र है कि हमारे बेटे ने जमीन पर पांव रखा। अगर इसने समंदर पर भी पांव रख दिया होता ना, तो हम वहाँ भी इसके लिए एक बहुत बेहतरीन प्ले हाउस बनवा देते। अंकल, विकी गाने की खुशी में मैंने आज शाम को इसी प्ले हाउस में अपने फ्रेंड्स को पार्टी का इनविटेशन दिया है। Oh, that's wonderful. But uncle, you? I know, the party is only for youngsters. पार्टी में ना होते हुए भी हम तुम्हारी खुशियों में शामिल रहेंगे। थैंक यू अंकल। All the best. Bye bye. You are great, uncle. देखना विकी, आज शाम को पार्टी में ऐसी बहार होगी, इस बहार को देख कर बाबू से बाहर भी शर्मा जाएगी। ये हमारे बीच में कौन है? फ्रेंड, 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 लेट्स स्टार्ट द बलून गेम। बस अच्छा बेटा, तुम हार गए हो, सजा भी भुगत लो। डांस करके दिखाओ। दूसरा नाम है विकी। साथ में है निशा। विकी, तकदीर ने गेम में भी तुम्हें मेरा पार्टनर बना दिया है। लेट्स स्टार्ट। ब्यूटिफुल। अप बिल्ट अप, बिल्ट अप, बिल्ट अप, कंटिन्यू यार, कंटिन्यू, मेक इट। मिस्टर विकी राय, पनिशमेंट के लिए तैयार हैं आप? तुम्हारे लिए पनिशमेंट ये है कि जब रोमियो ने जूलियट को, मजनू ने लैला को पहली बार देखा होगा, तो उस वक्त जो उन आशिकों ने महसूस किया होगा, उस एहसास को तुम गा के सुनाओगे। सुन ले मेरी लैला, मेरा फसाना, तूने बनाया है मुझको दीवाना। शम्मा तू मैं परवाना, जाने जाना मेरी जाना, जाने जाना मेरी जाना।
इतना किस्सा है मेरा है इतना फसाना, दिल की लय पे मैं गाऊं तेरा ही तराना। इतना किस्सा है मेरा है इतना फसाना, दिल की लय पे मैं गाऊं तेरा ही तराना। जब से झलक देखी तेरी मैं हो गया मस्ताना, सुन ले मेरी लैला मेरा फसाना, तूने बनाया है मुझको दीवाना। शम्मा तो मैं परवाना, जाने जाना मेरी जाना, जाने जाना मेरी जाना। मुझ पे एहसान है तेरा इस महफिल में आना, आकर मेरी महफिल की रौनक बढ़ाना। मुझ पे एहसान है तेरा इस महफिल में आना, आकर मेरी महफिल की रौनक बढ़ाना। मेरा दिल गया मेरी जान गई, अब तू चली ना जाना। सुन ले मेरी लैला मेरा फसाना, तूने बनाया है मुझको दीवाना। शम्मा तो मैं परवाना, जाने जाना मेरी जाना, जाने जाना मेरी जाना। बड़े सुर में गा रहा है आजकल, लगता है निशा ने तेरे दिल के तार छेड़ दिए। नहीं यार, निशा ने नहीं, किसी और ने। किसी और ने? कौन है वो, क्या करती है? ये तो तुझे पता लगा ना, कौन है वो, कहाँ रहती है और क्या करती है। बाबा बहुत अच्छे, तार तेरे दिल के बज रहे हैं और सैंडल मेरे सर पे बजवाने का प्रोग्राम कर रहा है। अरे तो तू मेरा यार है यार। इमोशनल ब्लैकमेल? लिसन यार, इट्स नॉट इमोशनल ब्लैकमेल। देख मैं किसी को यहाँ जानता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उसका नाम ही जानता हूँ। हाँ तो खैर हुजूर, वो ही बताइए। एनी। क्या खूबसूरत नाम है। वाह वाह। अरे जितना खूबसूरत नाम है उतना ही खूबसूरत चेहरा है उसका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हुस्न के पुजारी, ये तो बताइए निशा देवी का क्या होगा? तू शादी कर ले। क्या हुआ? पैर मुड़ गया। शादी का नाम सुनते ही तेरा पैर मुड़ गया? हा? अरे मेरा तो सिर्फ पैर मुड़ा है, शादी तो जिंदगी का रुख मोड़ देती है। अरे बकवास बंद कर, चलो से चल। अरे मियां हजरत, आप भूल गए, आपको फैक्ट्री के फंक्शन में जाना था। ओह माय गॉड, भूल गए? हाँ? तो भूल ही जाओगे, ये तो इब्तिदा है, इंतहा का आलम देखो क्या होगा। अच्छा बकवास बंद कर, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, तुझे वहाँ से जाके फोन करूंगा, तब तक तू उसका पता पता लगा ले। ओके चल। तुम बस लड़की। दोस्तों, हमारे मालिक वर्कर्स की कदर करना जानते हैं, हर साल की तरह आज भी एक वर्कर चुना जाएगा और इस खुशी को दुगना करेंगे
राय साहब के इकलौते चश्मे चिराग विक्रम राय यानी विकी, इस साल भी मैन ऑफ द फैक्ट्री हैं मिस्टर डेविड। बाबा अच्छा गा लेता तू, मेरी ट्रेनिंग काम आ गई। प्लीज अफरम प्लीज, हाँ वाह क्या हाथ है, आगे चल। स्टॉप अफरम स्टॉप प्लीज स्टॉप। अब क्या हुआ, देख देखिए उसी के बाल है, रेशम से मुलायम, खुशबू से महके हुए। अबे मजनू के भतीजे, तुझे तस्वीर से भी खुशबू आ रही है? शरफ आगे चल। स्टॉप असलम स्टॉप, फिर स्टॉप। ये देख ये देख, ये उसी की खूबसूरत पाँव है, देख। वाह पड़ जाए ऐसे पाँव तो बस जाए प्यार का गम। आजा बकवास बंद कर और आगे चल। स्टॉप असलम स्टॉप, उसकी मत भरी आंखें गौर से देखें आंखों को और मुझसे कहे मेरा दीवानपन सही या गलत। अब तो तू उसे पहचान लेगा ना? अरे आंखों से कैसे पहचान लूंगा, अरे आंखें तो सबसे बड़ी पहचान होती है। अरे होती है बाबा, नहीं होती क्या? मैंने कहा ऐसा, लेकिन तब होती है जब पूरे चेहरे के साथ देखी जाए। तो ये गलती मेरी है, एक खूबसूरत लड़की का वीडियो शूट किया वो भी टुकड़ों में। मैं अगर टुकड़ों में ही शूट करना था तो चांद के टुकड़े जैसे चेहरे को पूरा का पूरा शूट क्यों नहीं किया? अरे मुझे अगर पता होता कि उसका चेहरा मुझे इस कदर मुसीबत में डाल देगा तो मैं पूरा वीडियो सिर्फ उसके चेहरे का शूट कर देता। हाय विकी। लो मी। हाय। तुम चांद ढूंढ रहे थे, अमावस की रात आ गई। क्या कर रहे हैं यार? हाय। बाहर इतनी खूबसूरत शाम छाई हुई है और तुम घर में हो। ओ निशा क्या हुआ कि असलम आ गया था और उसी के साथ में? जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारी हर शाम मेरे नाम बुक है, चलो चले। या निशा जरा एक मिनट प्लीज, जरा वो मेरा वो काम कर लेना। कौन सा काम? वो जो नई मोटरसाइकिल मार्केट में निकली है, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल? हाँ। अरे व्हाई डू यू नीड मोटरसाइकिल, यू हैव सो मेनी कार्स। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एनफील्ड एनफील्ड अच्छी मोटरसाइकिल। वो मेरा काम कर लेना, मुझे वही मॉडल चाहिए समझे। अरे वही मिलेगी, दूसरी थोड़ी लाऊंगा बाजार से, आप तशरीफ ले जाइए। डोंट फॉरगेट। ओके ओके ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, अरे दो पाटन के बीच में साबत बचानक कोई। अंकल मेरा ख्याल है कि अब विकी और निशा की सगाई की रस्म अदा कर देनी चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है रंजीत, विकी तो अभी पढ़ रहा है और वैसे भी ये सगाई वगाई की रस्म दुनिया को दिखाने के लिए होती है। लेकिन अंकल आजकल के नौजवानों का क्या भरोसा, कौन जाने कब क्या सोच बैठ गई। नो 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 नो, इस मामले में मुझे विकी पर पूरा पूरा भरोसा है। और फिर एक बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अमरीश राय की जबान से निकला हुआ हर लफ्ज पत्थर की लकीर होता है। वो तो हाय सनी, हाय निशा, हेलो सदी, इट वाज वेरी फाइन अंकल। आओ बैठो ना। नहीं प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, एक्सक्यूज मी। सुनो ये इसको क्या हो गया? पता नहीं, जब से आया खोया खोया रहता है। विकी, विकी, ये क्या विकी, जीती जागती तस्वीरों को छोड़कर क्यों इन बेजान तस्वीरों में उलझे रहते हो, क्या ढूंढते रहते हो इनमें? नहीं निशा वो अरे मिस्टर विक्रम राय, आई हैव डन इट, मिल गई यार मिल गई। वो है एनफील्ड रॉयल एनफील्ड, मिल गई। हाँ ओ असलम, यू आर अ ग्रेट फ्रेंड यार, आई लव यू असलम, आई लव यू। कब क्यों कहां कैसे क्यों मिल गई? बी ब्लॉक सेकंड फ्लोर, मोटरसाइकिल सेकंड फ्लोर। वो दफ्तर होगा, दफ्तर होगा, दफ्तर है ना असलम? हाँ राइट, चल चल चल। अरे अभी नहीं, क्या बेसब्री नहीं, दफ्तर क्लोज, कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग। असलम वो असलम, तुझे पूरा यकीन है वही बिल्डिंग है? अरे सुबह 6 बजे से लेकर हजार बार पूछ चुका और मैं हजार बार बता चुका हूँ कि यही है यही है, अरे यही है। तो फिर वो आई क्यों नहीं है यार? अरे मैं क्या जानू क्यों नहीं आई वो,
जब तूने उसे देखा था तो कौन से कलर के कपड़े पहनी हुई थी वो? नीले रंग के। नीले? हाय हाय हाय, नीले 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 कपड़ों में तो बिल्कुल नीली झील की तरह लग रही होगी। जी करता है उसकी गहरी आंखों में हमेशा के लिए डूब जाऊं। उभरो मिया, उभरो। अरे झील में डूबे हुए आदमी का नामो निशान तो मिल जाता है, लेकिन किसी हसीना की आंखों में डूबे हुए इंसान को बड़े से बड़ा गोताखोर भी नहीं निकाल सकता। भैया मैं जा रही हूं। लो मिया तुम्हारी झील आ गई, टाइप मारने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जाजा और दे, अरे हंसेगी तो फंसेगी। ये मूवी ये देख, अरे क्या बागपन से देख रही है तुझे। अरे तिरछी नजर से न देखो आशिक दिलगिर को, कैसे तीर अंदाज हो। अरे सीधा तो कर लो तीर को। अबे गधे, क्या इन टेढ़े मैनों ने मुझे जख्मी किया है? इडियट। अबे जान प्यारी है तो जान बची लाखों पाए, मरवाएगा एक दिन लड़की के पीछे। अरे खुदा का शुक्र है वहां से बच निकले, वरना वो मुहम्मद अली का बच्चा कचूमर कर देता। शराब, शराब। तेरा और मेरा भी। वेटर सर, दो थम्स अप लाना प्लीज आपके लिए। 500 बड़ा 500। एक लड़की की सूरत नहीं पहचान सका, तुझे वीडियो दिखाया, नाम भी बताया। अरे वो तो टुकड़ों में दिखाया था तूने, बाल अलग, वो पाँव अलग, वो आंखें अलग। वो आंखें क्या, उस लड़की की आंखें हनी जैसी दिख रही थी। तू तू जानता है मैं लड़कियों को एक नजर भर देखने से घबराता हूँ यार। अब 500 मेरे लिए क्यों मंगाया? कोई बात नहीं, मैं पिता लाओ। हाँ तो बोलो ना, तुझे चिकन आला किंग और श्रिम कॉकटेल और 600 प्लेट। हाय 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 तस्लीम असलम मियां। हाँ तस्लीम तस्लीम। ये क्या भाईजान, क्या हुआ? इतने दिन हुए आपको आए हुए, एक बार भी आप घर नहीं आए। अम्मी अब आपको कितना याद करते हैं, आपके साथ आपके दोस्त भी आ जाएंगे इसी बहाने, वरना ये तो पाँव में मेहंदी लगाए रहते हैं। अरे सलमा जरूर आऊंगा, लेकिन इस वक्त कुछ बैठ के खाओ ना। ओ नो थैंक्स, मैं अपने ग्रुप के साथ आई हूँ, आप भी शामिल हो जाइए अपने ग्रुप में। नहीं नहीं सलमा, मैं जल्दी में हूँ, कुछ जरूरी काम है। असलम मियां आप ही तशरीफ लाइए। नो थैंक्स, मैं लड़कियों के ग्रुप में शामिल नहीं होता। सुनिए क्या है? एक बात कहूँ? फरमाइए। आप बहुत बदनसीब हैं। ओके बाय। बहुत बदनसीब हैं, जैसे बहुत खुश नसीब है ये मोहतरमा। भाईजान यहाँ की पेस्ट्री बहुत टेस्टी होती है, जरूर खाइएगा। हाँ सलमा जरूर खाऊंगा। देख विकी, अपनी खाला साहब बहन को अच्छी तरह से समझा दे, बिल्कुल तेरे नक्शे कदम पर जा रही है, जैसा भाई वैसी बहन। तू एनी के पीछे पड़ा है और वो मेरे पीछे पड़ी है, और मैं लड़कियों से कोसों दूर भागता हूँ, ये तू अच्छी तरह से जा है? मैंने सोचा अगर पेस्ट्रियां ही खानी है तो क्यों ना आपके साथ खाऊं। बहुत अच्छा किया भाईजान, मेरी फ्रेंड से मिली मीना, हेलो मैरी, रीटा, हेलो डॉली और एनी, मेरे पड़ोस में रहती है। अरे आप तो जानते हैं, आपकी पार्टी में आई थी। अरे जनाबे अली कहाँ फंस गए आप, आपको तो किसी जरूरी काम से जाना था, भूल गए आप? अरे जाएंगे ना, काम पे जाएंगे, काम होगा। असलम मियां जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप भी हमारी महफिल में शामिल हो जाइए। आइए ना, शुक्रिया। चलिए शुक्रिया। पागल सुन, जिस लड़की के बारे में मैं कह रहा था ना एनी, याद नहीं तुझे मैंने कहा था कि वही है? आइए ना प्लीज। आइए आइए असलम साहब, तशरीफ लाइए। आप तो लड़कियों के ग्रुप में बैठना पसंद नहीं करते। क्या करूं सलमा जी, कभी कभी दोस्त की खातिर मुसीबत मोल लेनी पड़ती है। हाँ? और भी वो दोस्त ही क्या जो किसी दोस्त के काम ना आ सके। ये हुई ना बात, बेटर दो पेस्ट खिलाना। क्या बात है सलमा, तुम्हारी सहेली बहुत कम बोलती है। सहेलियों के सामने तो बहुत चहचहाती है सलमा। शायद अभी तक आपको अजनबी समझती है। लीजिए, टेक इट। थैंक्स। अब तो हम अजनबी नहीं रहे ना।
क्या माइकल? एनी थैंक्स फॉर द लिफ्ट, इट्स ओके। आप कहाँ? अरे ये क्या, सामने तो रहती है। चलना है नी, एक एक कप चाय हो जाए। नहीं सलमा, थे कभी। अच्छा कम चलो भी। एक्सक्यूज मी एनी। ओ हेलो माइकल, हाउ आर यू? All fine, thank you. Coming, Papa. Hello. Can I come in? Of course, do come in. Thank you. Actually, I thought I'd just drop in and see. Oh, I'm sorry. It's all right. Please be comfortable. Sir, will you have something to drink? No, please. Thank you. पार्टी कैसी लगी यानी? It was beautiful. फिर अचानक क्यों चली गई? यानी? उस दिन से मैं तुम्हें बहुत तलाश कर रहा हूं। अपने दोस्त से भी तुम्हें तलाश करने के लिए कहा, पर अगर तुम आज भी ना मिलती तो न जाने तुम्हें कब तक तलाश करता रहता। वैसे उस पार्टी में तुम्हारी एक चीज रह गई थी, ब्रोच। ब्रोच के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? सलमा को दे देते, मुझ तक पहुंचा देती। अगर यही मालूम होता कि सलमा तुम्हारी सहेली और पड़ोसी भी है तो वाकई इतना परेशान नहीं होता मैं। एनी, कैन वी बी फ्रेंड्स? एनी, जल्दी से खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी पापा है। देखो, अरे तू पापा क्या कर रही है? अरे विकी मास्टर। हेलो विकी मास्टर, आप यहाँ? मिस्टर डेविड, मैं ऐसे सलमा के घर आया था, सो आई थॉट जस्ट ड्रॉप इन। आप एनी को जानते हैं? जी हाँ, अभी अभी हमारी दोस्ती शुरू हुई है। थैंक यू। चलो। टिकट मिल गई? हाँ मिल गई, लेकिन दो साथ में एक अलग। फिर? फिर अंदर चल के किसी से रिक्वेस्ट करेंगे। कम ऑन, कम कम। परम पम परम पम परम पम। अरे कहाँ पीछे पीछे चलती है? दो उधर एक इधर। लेकिन भाई साहब हम तीनों साथ में हैं। लेकिन टिकट साथ में नहीं, सॉरी। आप अकेले हैं? धीरे बोलो, बीवी साथ में, बाद में बात करते हैं। क्यों भाईजान, तुम्हें फिल्म कैसी लगी? पिक्चर तो ठीक थी सलमा, लेकिन मैं बोर हो गया। क्यों? ना सीट अच्छी थी और ना साथ में बैठे हुए लोग अच्छे थे। सलमा क्यों ना हम किसी रेस्टोरेंट में चलें? एनी तुम्हारा क्या ख्याल है? चले चलो भाईजान, चलो। आई निशा, तुम यहाँ? तुम्हारे घर गई तो मालूम चला कि तुम सलमा के घर गए हो, वहाँ से मालूम पड़ा कि तुम यहाँ आए हो, तुम यहाँ चले आए। निशा मीट एनी। हेलो एंड यू नो सलमा। हाय सलमा। हेलो। चलो मेरे रूफ गार्डन में टेबल बुक करवाया, कम ऑन लेट्स गो। निशा क्या है कि वो मैं देखी, तुम याद है ना, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारी हर शाम मेरे नाम बुक है। लेकिन निशा मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। सो व्हाट, योर फ्रेंड्स माय फ्रेंड्स, ये भी साथ चलेंगे, प्लीज जॉइन अस। नो थैंक्स, यू एंजॉय योरसेल्व्स एज यू विश। कम विकी,
लेकिन निशा मुझे इन्हें घर छोड़ना है। प्लीज डोंट बॉदर, हम लोग खुद चले जाएंगे। कम ऑन सलमा, कम ऑन सलमा। विकी, ए, कम ऑन, लेट्स गो। ओहो, लेकिन इसमें विकी का क्या कसूर है? नहीं, सारा कसूर मेरा है सलमा। मैंने तुझसे कहा था कि मेरे घर के चक्कर काटो, और फिर ये प्रोग्राम भी तो मैंने ही बनाया था कि हम पिक्चर चलते हैं, और फिर ये भी तो मैंने ही कहा था विकी तुम निशा के साथ जाओ, फिर तुम्हारी हर शाम उसके साथ बुक है। उसका कोई कसूर नहीं। तेरी बातों से जलन की बू आ रही है। इसका मतलब है यू लव हिम। आई लव हिम, ठीक, आई हेट हिम। एनी, एनी तुम कहीं जा रही हो? हाँ, क्यों? अगर तुम जा रही हो तो मैं भी अपना नाम लिखा दूं। चुप। एनी, हाय। तो तुम्हें गेटकीपर ने रोका नहीं? नहीं, मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। ये रहा मेरा आईडी कार्ड। मगर हमने तो सुना था कि तुम यूरोप जा रहे हो। यूरोप का टूर मैंने कैंसिल कर दिया एनी। क्यों? यूरोप से ज्यादा खूबसूरत तो ये शहर है जहाँ तुम रहती हो। एनी, मैं तुम्हें से कह रहा हूँ। ओ, मुझे लगा तुम किसी और से बातें कर रहे हो। मैं ऐसी बातें कैसे कर सकता हूँ? सोचो, शायद याद आ जाए। कौन? वही जिसके साथ तुम्हारी हर शाम बुक है। एनी, एनी, मैं। डोंट शाउट, दिस इज कॉलेज। सॉरी। क्या बात है निशा, आज बहुत खुश खुश नजर आ रही है। भैया, गुड न्यूज। कौन सी? विकी वापस नहीं जा रहा, यही कॉलेज ज्वाइन कर रहा है। ओह रियली, दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक सेलिब्रेशन। क्या बात है? हेलो रंजीत। कहो जेडी, कैसे आना हुआ? बहुत दिन हुए तुम्हारे दर्शन नहीं हुए, हमने सोचा तुम्हारे दर्शन कर ले। हाँ तो रंजीत साहब का क्या हिसाब है? पूरे 50 लाख, 30 लाख का कर्ज और 30 लाख सूद। वैसे इनका बंगला और फैक्ट्री हमारे पास गिरवी है। बकवास बंद करो। रिलैक्स, रिलैक्स बॉय। मैंने पैसा देने से कब इनकार किया है? ये अलग बात है कि हमारा सारा पैसा याशी के कुएं में डूब गया, पर फिर भी शान वैसी के वैसी ही बाकी है। और फिर जेडी, पैसा तो हाथ का मैल है, आज से मैल उतारूंगा और तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा। तो फिर जल्दी उतारो रंजीत, हमारी बेसब्री बढ़ती जा रही है। सुना है अमरीश राय का बेटा आया है। क्या निशा शादी करने आया है? वैसे शादी भी हो जाएगी, मेरे स्वर्गवासी पिता को राय साहब का दिया हुआ वचन पत्थर की लकीर है। मेरे बहन को अच्छा घर मिल जाएगा और हमें बेशुमार दौलत। विकी, आंटी, अंकल। गुड मॉर्निंग मिस मैम साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये कहाँ से आ गई? विकी। हेलो हेलो। हाउ आर यू? असलम, विकी कहाँ है? बकवास बंद करो। क्या कहा ना? रॉन्ग नंबर, पता नहीं कहाँ से आती है लड़कियाँ और सुबह सुबह। ओह, आप, अदाब अदाब, कैसी हैं आप, कहाँ थे आप? अदाब अदाब। असलम, विकी कहाँ है? तुम्हें नहीं मालूम? अरे वो तो एनएसएस कैंप चला गया। एनएसएस कैंप? मिले तो अरे शोला भड़का। अच्छा? प्यार का खेल शुरू हो गया। अय्या, अय्या, क्या हुआ?
ओ यार मिला और दिल खो गया। तो वो उससे करती है पर सचमुच वो उस पे मरती है। प्यार तो वो उससे करती है पर सचमुच वो उस पे मरती है। हर बात मगर ये महफिल में कहने से डरती है। हाँ ना तो वो किसी पे मरती है ना तो वो किसी से डरती है। ना 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 प्यार का खेल शुरू हो गया था। दिन है तेरे जाने मन है तेरा जमाना किसने रोका है तुझको तू बिजली गिराना। तू गमन तर चलता है घर शम्मा तेरा परवाना। आप लोग अपने अपने पार्टनर्स चूज कर लीजिए। एक्सक्यूज मी एनी, क्या आप मेरी पार्टनर बनना पसंद करेंगी? प्लीज एनी। ऑफ कोर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिन चिक दिन चिक दिन चिक दिन चिक दिन चिक दिन चिक दिन चिक। हाय टकलू, कैसे हो? मजे में, खुश हूँ। ऐश हो रही ना? ऐश हो रही। जानते हो ये क्या है? क्या है? ये क्या है? खुजली। खुजली खुजली खुजली। तुमने उसे खुजली क्या लगाई? वो तुम्हारा पार्टनर जो था, तुम्हारा पार्टनर सिर्फ मैं बन सकता हूँ। ये क्या है नी? इतने कम पत्थर, इतनी नाजुक थी तो एनएसएस ज्वाइन ही क्यों किया? अरे नाजुक मैं नहीं, नाजुक यह साहब है, इनसे ज्यादा पत्थर तोड़े नहीं जाते। ऐसी बात नहीं है यानी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फूल सा बदन पत्थरों के बोझ से झुक जाए। साफ क्यों नहीं कहते, तुम मेहनत से बचना चाहते हो? नहीं यानी, अगर तुम कहो तो मैं सारे के सारे पत्थर तोड़ सकता हूँ। विक्की, तुम तो अगर फूल भी तोड़ोगे तुम्हारे हाथ में छाले पड़ जाएंगे, और फिर ये तो पत्थर है पत्थर। तुम्हारा चैलेंज है ये? ऐसा ही कुछ। इस काम का इनाम क्या मिलेगा? पहले काम फिर इनाम। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुमने चैलेंज किया था ना, मैंने सारे के सारे पत्थर तोड़ दिए। देखो ना प्यार में क्या क्या करना पड़ता है। अब लाओ मेरा नाम। इनाम? कैसा इनाम? कमाल है, तुमने तो कहा था पहले काम फिर इनाम। अच्छा बोलो क्या इनाम चाहिए तुम्हें? एक वादा। वादा? कल तालाब पे मिलने का। ओके ओके। कमाल है, कल यहां पे आने का वादा किया था, अभी तक आई नहीं।
वो देर से इंतजार कर रहे थे? हाँ, इंतजार कर रहा था लेकिन दिल लगा रहा। दिल लगा रहा? वो कैसे? इन फूलों की बातें सुन रहा था। अच्छा, क्या कह रहे थे ये फूल? सब मेरी बातें कर रहे थे। हाँ, वो उस फूल को देख रहे हो तुम? उस फूल ने इस फूल से पूछा, कौन है ये? फिर इसने जवाब दिया, कोई प्रेमी लगता है जो अपनी खूबसूरत महबूबा का इंतजार कर रहा है। फिर इन सारे के सारे फूलों ने मिलकर उस कली से पूछा, उस कली से, कि जिसे इतना प्यार करता है क्या वो लड़की भी उसे उतना ही प्यार करती? तो फिर क्या जवाब दिया कली ने? जवाब नहीं दिया। अब तक खामोश है। हो सकता है वो तुम्हें परखना चाहती हो, तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती हो। अरे तुम इम्तिहान की बात कर रहे? अरे तुम कहो तो उस पहाड़ से दूध की नहर निकाल दूं और आसमान के सारे तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में बिछा दूं। बस बस बस, तुम्हें ये सब करने कोई जरूरत नहीं। विक्की, वो कली जिसने तुम्हारा जवाब नहीं दिया उसे ले आओ, उसी से तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। वो कली? यू गॉट इट। Thank you.
गुलामी टू ओ एनी आई लव यू आई नो यू लव मी टू वहीं पाएगी मुझे जहां होगी तू वहीं पाएगी मुझे जहां होगी तू न छोड़ूंगा मैं तेरा हसीना पीछा न छोड़ूंगा मैं तेरा ऐ हसीना हाँ एक पल बगैर तेरे लगता है एक महीना हो जमीन आसमान तू जहां मैं वहां का है वही मंगलू जो हमारी तरह यहाँ का एक वर्कर था और जिसे चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कराया गया था सर देखिए देखिए सर आज वो किस तरह इन सबसे बदला ले रहा है वो इन सबको शराब की शक्ल में जहर बेच बेच कर मौत की नींद सुला रहा है सर सर उसे रोका न गया तो बहुत जल्द वर्कर्स की कॉलोनी कब्रिस्तान बन जाएगी सर कब्रिस्तान बन जाएगी मंगलू दादा के अड्डे पर दारू पीने खाली जेब आता है हरामजादे निकल यहाँ से किसके ठिकाने पे है इंस्पेक्टर हमने तुम्हारा कंचा किसने टक्कर लिया मंगलू से देव जी आप चिंता मत कीजिए आज के बाद मंगलू यहाँ दारू का धंधा नहीं करेगा बहुत जल्दी हिसाब चुकाऊंगा अयो तंबी देख ले जी वो कान अपना चौकरा चौकरी आए उनको कान अपने बदले ले रहे अयो ये खेल कैसे लटकाया लक्ष्मी ओ पहलवान जी नक सलो क्या हाल है पहलवान जी पहला बैठना सापड़ का ना बाद में सब कुछ करना जी स्माइल स्माइल जल्दी करो ना छूट जाएगी ओके ओके लेट्स गो मेरे प्यारे लक्ष्मी क्या जी मैं तुम्हारे लिए महालक्ष्मी के मंदिर से कुछ लाया हूँ क्या लाया जी ये पारी फूल अय्या टेढ़े मूंछ है ये भी कोई फूल है फूल छोटा फूल जरा ये देखो जी गोभी का फूल बड़ा बड़ा जी हाँ जी बहुत बड़ा बड़ा अबे ओ खोते फूल छोटा ही अच्छा होता है ताकि बालों में लग सके
क्यों लक्ष्मी? अय्या गलत है। बोल चुप करना जी, ये तो मितोन फूल देने वाले का दाल मेरे पास नहीं गलेगा जी। देखना फोटोग्राफ भी कमाल के आएंगे। हमारे पास है? तेरे पास है क्या? आज बड़े कड़के हैं। जाना क्या खाना? चल पटक। सुबह सुबह फूल लेके आया, एक गोभी का फूल, एक चोटा फूल। एक्सक्यूज मी, क्या रे? वो हमारी बस यहाँ थी, कॉलेज बस, वो कहाँ गई? अयो वो चौकरी चौकरी का बस, वो तो कभी ना गया जी। खामोश, शांत हो जा। अरे वो जोड़ी कहाँ है? पिछली बस में। अरे वो जोड़ी नजर नहीं आती। अगली बस पे कोने वाली सीट पे बैठी होगी। घबरा मत, मैं अभी फोन करके गाड़ी मंगवाता हूँ। अच्छा Excuse me? क्या जी? आपके यहाँ फोन है? फोन है? हाँ जी, अंदर जाना। चले। हाँ गुरु। चैनल घड़ी देख रहा था ना? देख रहा था उसका। क्या हुआ? फोन खराब है। और लस्सी का ऑर्डर ले लो। हाँ। आपका फोन बंद है? ये मेरे मालकिन जैसा है, हमेशा बंद रहता है। एक प्लेट बटाना पड़ा। लक्ष्मी। हाँ जी। ये पैसे हिसाब में लिख लेना। अच्छा जी। घबरा मत, दूसरे चक्कर में दे दो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। अरे बाबू सुना है तुम्हारी वो बसें छूट गई है? हाँ छूट गई। तो कहाँ जाओगे? शहर। अरे हमारे पास ट्रक है ना, हम छोड़ देंगे। देखा है नी, मैंने कहा ना कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। चलिए प्लीज। हाँ चलिए चलिए। लम्डी लम्डा सोने लग रहे हैं जी। सो तो मैं देख रहा हूँ। दोनों बड़ी मोटी सामी लग रहे हैं जी। वो भी देख रहा हूँ उस्ताद। घड़ी देख रहे हैं, बड़ी कीमती लग रही है जी। वो भी देख रहा हूँ। वो भी देख रहे हो तो क्या नहीं देख रहे? उस्ताद अंधेरा भी होने लग रहे हैं जी। वो भी देख रहा हूँ। वो भी देख रहे हूँ, ये भी देख रहे हूँ, पर कुछ कर नहीं रहा हूँ जी। चुप रहे, बहुत बड़बड़ करता है। रास्ते में जंगल आता है ना, वहीं पे लूट पाट के छोड़ देंगे। अंधेरा होते ले आया। हाय हाय जान बची, खड्डे में गई घड़ी, बाल में गया तू। मेरी जान छोड़ मेरे बाप, घर में तेरी बीवी मेरा इंतजार नहीं, मेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही है। तेरा इंतजार, तेरा इंतजार। विक्की कहाँ फंस गए? एनी, लगता है ये जानवरों को फंसाने का कोई खड्डा है। ओह नो। ये देखते हैं। विक्की बी केयरफुल। क्या हुआ? नहीं,
मुझे लगता है रात तो यहीं काटनी पड़ेगी, सुबह को कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन विकी, ये भयानक रात इस गड्ढे में कैसे गुजारेंगे? भयानक? ये रात तुम्हें भयानक दिख रही? अरे खुला आसमान है, तारे चमक रहे हैं, चांद चमक रहा है, वो तुम्हें से भयानक कह रही? अरे ऐसी रोमांटिक रात फिर कब आएगी? यार डर के मारे मेरी जान जा रही और तुमको रोमांटिक लग रही है। कैसे कैसे आवाज आ रही है? जानवर की आवाज है, चीख चिल्लाकर चुप हो जाएंगे और क्या। अगर कोई जानवर आ गया तो? जानवर आएंगे, यहाँ जानवर आएंगे। यानी तुम डरती हो, मुझे देखो, मैं डरता हूँ? अरे यानी अगर शेर आया तो ढेर हो जाएगा, चीता आया तो चित हो जाएगा, यदि भालू आया तो आ, 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 आ। सुबह सुबह नंगा हो करके। हाय राम, तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो? अरे मौसी अंदर की बात छोड़िए, पहले कुछ लोगों को बुलाकर हमें बाहर तो निकालिए। अरे इधर तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अरे वो कलुआ, प्रिंसिपल साहब मेरी एनी का कुछ पता चला। डेविड, तुम्हारी एनी भी? हाँ रहे साहब, वो अब तक कैंप से लौटी नहीं। खबरों नहीं मिल जाएगी। प्रिंसिपल साहब हमारे बेटे के साथ साथ इसकी बेटी का भी जल्द से जल्द पता लगाइए। लगता है दोनों साथी में है। ये तो बताओ बेटा, तुम्हारी शादी ब्याह हुई है कि नहीं? नहीं हुई ना, परसों हुई है भाई। भला मौसी जी आप ही बताइए, शादी ब्याह के बिना कोई लड़का लड़की अकेले घूम सकते हैं? लेकिन बेटा बहू के दिल पर तो कोई सुहाग का चिन्ह नहीं है, न मांग में सिंदूर है, न माथे पर टीका है, न गले में मंगलसूत्र है, न हाथ में लाल चूड़ी, न पांव में पायल बिछुआ, ये क्या? अरे मौसी ये नए जमाने की लड़कियां हैं, भला इन्हें इन बातों का क्या पता? अरे आग लगा नए जमाने को। करेक्ट मौसी, इन्हें तो सिर्फ अपने चेहरे की रंगाई पुताई आती है। आउच! ये क्या कर रही हो बेटी? पता नहीं मौसी, ये छेड़छाड़ मर्दों को शोभा देता है, औरतों को नहीं। हाँ मौसी जी आप इसे समझाइए ना, इसे कुछ नहीं आता है। अरे मैं सब समझ गई हूँ, इसका कोई दोष नहीं है, सब कसूर तुम्हारा है। क्यों मौसी? अरे औरतों पर अंकुश रखना चाहिए, इन्हें ज्यादा आजादी दोगे तो सर पर आके बैठ जाएंगी, समझ गए? जी मौसी। इनसे गृहस्थी करवाना चाहिए, चूल्हा चौका करवाना चाहिए, पानी भरवाना चाहिए, अपना देह दबोना चाहिए, समझ गए? जी मौसी। हाँ, इससे दिल दिमाग ठिकाने रहता है और औरतों का मन भी कहीं नहीं भटकता, समझ गए? जी मौसी। अरे ये क्या जी मौसी जी लगा रखा है, कुछ समझाएगा सही? अरे जी मौसी अभी समझाए देते। मिसानी, मिसानी मौसी जी के पांव छुओ और आशीर्वाद लो, चलो। सदा सुहागिन रहो बेटी, सदा सुहागिन। दूधो नाओ पुतो फलो, दूधो नाओ पुतो फलो। कल से सिंदूर पहनना, बिल्कुल पहनेंगे मौसी। दूधो नाओ पुतो फलो। नहीं, आउच! हाँ हाँ हाँ, क्या सुन में आवाज निकल रही, उस वक्त तो जी मौसी किए जा रहे थे। पर कितने अच्छे थे मौसी के विचार। तुम्हें क्यों नहीं अच्छे लगेंगे, उन्होंने सारी बातें तुम्हारी फायदे की जो कही। कुछ गलत कहा उन्होंने, कुछ गलत कहा, औरतों पर पूरा रोब रखना चाहिए, जरा सी डील दी तो सर पे चढ़ के बढ़ जाती है, समझे? हाँ हाँ, लेकिन ये सब बातें तो मुझे क्यों सुना रहे? I'm not your wife, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। हो नहीं तो हो जाओगी। You think I'm so silly कि तुम जैसे पुराने ख्याल वाले आदमी से मैं शादी करूँगा? हाँ एनी। You old fashioned man? एनी। Leave my hand, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं एनी, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम खो जाओगी और मुसीबत में आ जाओगी। हाँ मुसीबत? हाँ, जैसे तुम्हारे साथ कोई कम मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पहले तुम्हारी बस से छूट गए,
डम ट्रक में फंस गए, सारी रात उस खड्डे में गुजारनी पड़ी, और सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम्हारी वो मौसी। विक्की, 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 विक्की। तेरे बिन लैला कैसे जिएगा ये छैला, छोड़ मेरा पीछा तेरे मर गए लैला, तेरे बिन लैला कैसे जिएगा ये छैला, छोड़ मेरा पीछा तेरे मर गए लैला। तू जो रूठ जाएगी तो रब रूठ जाएगा, कैसे जिएगा ये छैला, छोड़ मेरा पीछा तेरे मर गए लैला। जितना तू रूठे उतना ही तुझ पे प्यार आए तेरी कसम, जितना तू रूठे उतना ही तुझ पे प्यार आए तेरी कसम। इतना भी अच्छा नहीं गुस्सा जाने जाना, तेरे बिन लैला कैसे जिएगा ये छैला, सदके मैं जाऊं तुझको मनाऊं, हंस के दिखा दे जरा, ओ सदके मैं जाऊं तुझको मनाऊं, हंस के दिखा दे जरा, मर जाऊंगा जो रूठा यार नहीं माना, मन तेरे दुश्मन गले लग जाना, तेरे बिन लैला कैसे जिएगा ये छैला। कहाँ रह गए थे वो डैडी? बसें छूट गई थी और हम रह गए थे। सनी डार्लिंग, आई गॉट सो वरीड अबाउट यू, आस्क योर अंकल, यू नो, परेशान कर दिया था तुमने। एनी पापा, एनी पापा, एनी मेरे बच्चे तू ठीक तो है ना? यस पापा, गॉड ब्लेस यू।
सेठ मैं सेठ अमरीश रॉय कौन है डैडी? अबे छोकरे इससे क्या पूछता है? मुझसे पूछ, मेरा नाम मंगलू है मंगलू। अब तू ये जानना चाहेगा कि मैं तेरे बाप को मारने क्यों आया था? इसने मेरा धंधा चौपट करवाया, मुझे जेल में भिजवाया। शराब, तुम हमारी फैक्ट्री के सामने नाजायज धंधा करोगे, शराब की शक्ल में हमारे वर्कर्स को जहर पिलाओगे, तो हम तुम्हें जेल नहीं भिजवाएंगे तो और क्या करेंगे? अबे हट, गार्ड ले जाओ उसे, पुलिस के हवाले कर। अरे सेठ, पुलिस के पिंजरे में कब तक बंद रखवाएगा? बहुत जल्द बाहर आऊंगा, फिर तुझसे निपट लूंगा, और छोकरे तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, समझो? पुलिस में बंद करवाएगा, तेरे बाप का राज है, फैक्ट्री का नहीं गया है। क्या बताऊं तुम्हें असलम मियां, ये चार दिन जो मैंने एनी के साथ गुजारे उनका बयान नहीं कर सकता मैं। अरे मियां, दुनिया में हर बीमारी की दवा होती है, और जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती, लेकिन मोहब्बत ऐसी बीमारी है जहां न दवा काम करती है न दुआ। हाउ डेयर यू टच माय फोटोग्राफ्स, डोंट टच देम अगेन। अरे घोंचू, इस इश्क़ मोहब्बत ने न जाने कितने शहर उजाड़े, कितने वीराने आबाद किए, भीड़ लगा दी है न जाने कितने पागल खानों में, कितने घर बर्बाद किए। इसके इस बाजार में तेजी चार दिनों की होती है, बारहों महीने मंदा है। अरे असलम खान ये कहते हैं, ये अहले होश का काम नहीं, ये दीवानों का धंधा है। बहुत सही है असलम मियां। थैंक यू। फैबुलस जनाब। बहुत सही कहा है तूने। शुक्रिया। इश्क में बहुत कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल खोना पड़ता है। चैन खोना पड़ता है। बिल्कुल। दिल खोना पड़ता है। ऑफ कोर्स। रातों की नींद खोनी पड़ती है। वो तो है ही। और दोस्तों में आबरू भी खोनी पड़ती है। वो तो खैर है। कहां जा रहे हो? अपना सब कुछ खोने जा रहा हूं असलम। धत तेरे की। अरे यार खुदा, फानूस बंद कर इसकी हिफाजत करना, ये दीवाना चिराग आंधियों में जलने जा रहा है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मांगी है हमने दुआएं, तुमसे मोहब्बत निभाएं, तुम्हारे लिए ही दुनिया में आए, तुमको ही अपना बनाए। मांगी है हमने दुआएं, तुमसे मोहब्बत निभाएं, तुम्हारे लिए ही दुनिया में आए, तुमको ही अपना बनाए। मांगी है हमने दुआएं, तारों में ये चमक तुमसे है, फूलों में ये महक तुमसे है, इधर देखिए तुम्ही तुम बसे हो, जिधर देखिए। मांगी है हमने दुआएं, तुमसे मोहब्बत निभाएं,
तुम्हारे लिए ही दुनिया में आए, तुमको ही अपना बनाए। मांगी है हमने दुआएं, रतनलाल जी। हाँ, हमने जो आपको सोने की अंगूठी का ऑर्डर दिया है, जहाँ उसमें बेहतरीन से बेहतरीन हीरा लगना चाहिए, जी हाँ, वो मेरे बेटे विक्की के लिए है जी। थैंक यू। लेकिन अंकल, अगर कोई सोने की अंगूठी में हीरे की जगह मामूली पत्थर जड़वा ले तो कैसा लगेगा? ये कैसा बेतु का सवाल है बेटी, सोने की अंगूठी में हीरा ही अच्छा लगता है। लेकिन अंकल, आज मैंने सोने की अंगूठी में एक मामूली पत्थर को जड़े हुए देखा है। धड़कन में तुम समाए रहो, ख्यालों पे तुम छाए रहो, लहरों में तुम मचलते रहो, सांसों के साथ चलते रहो। तुम्हारे पापा आ गए। भागा? पापा आ गए। एनी, अब चाहे पापा आए या पापा के पापा आए, मैं अंदर आ सकता हूं सर? यस, कम इन। थैंक यू। ऐसे ही आ जाओ। नहीं सर, गरीब के जूते हैं, रास्ते की धूल से भरे हुए, कीमती कालीन पर रखने के काबिल नहीं। तुमने ठीक कहा डेविड, रास्ते की धूल की पहुंच जूते तक ही ठीक है। मुझे खुशी है कि तुम ये सब बातें समझते हो, और समझदार माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा बुरा समझाते हैं। मुझे गरीब की बेटी से कोई भूल हुई है? तुम्हारी बेटी अपनी औकात भूलकर महलों के ख्वाब देखने लगी है। मैं यकीन दिलाता हूँ आइंदा आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेटी, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब तुम गुम हो गई थी, तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे उनकी दुनिया ही खो गई हो। हाँ आंटी, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आंटी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाती है तो मुझे कभी डांटते वाटते नहीं है, मुझे बहुत प्यार से समझा देते हैं। पापा 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 पापा, आज मैं बहुत खुश, I'm very happy today। जानते हो क्यों? आज मैं विक्की के घर गई थी, उसकी मम्मी से मिली, वो बहुत बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे कहा, मां जब भी दिल करे तुम घर आ जाना। आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी। पापा। हाँ बेटी, इन बड़े लोगों की हर चीज दिखावे की है, यहाँ तक कि इनका प्यार भी दिखावे का है। ये अमीर लोग गरीबों पर मेहरबानियां इसलिए करते हैं ताकि गरीब जिंदगी भर इनके एहसान मंद रहे। ये अपने घरों में कीमती कालीन इसलिए बिछाते हैं
गुप्ता के पांव रखने से पहले हर गरीब को उसकी गरीबी का एहसास हो जाए और वो पांव के बल नहीं सर के बल इनके घर में दाखिल हो। लेकिन मैंने तो कभी अमीरी गरीबी के बारे में बात नहीं की, फिर आप मुझसे ये बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आज तुम्हारे अमीर बाप ने मुझ गरीब से ये बातें की हैं। अंकल यस विकी, मैं जिस बेटी को अपनी पलकों पर बिठा कर रखता हूं उसे आज तुम्हारे अमीर बाप ने रास्ते की धूल कहा है। देखिए मास्टर, मेरी बेटी मेरी गैरत है, मेरी आबरू है, मेरा गुरूर है, रास्ते की धूल नहीं है। हैनी, कम है पापा, कम ऑन है पापा। लेकिन विकी, अंकल विकी मास्टर, इससे पहले कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा अमीर बाप फिर मेरी गैरत को गाली दे, तुम यहां आना बंद कर दो। नो पापा। हैनी जाओ अंदर प्लीज पापा। जाओ आई। लेकिन अंकल मेरी बात तो सुने। विकी मास्टर प्लीज गो, जाओ। विकी, आई लव यू विकी। भाई जान क्या हुआ? अंकल ने मुझे एनी से मिलने के लिए मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है बेटी, इसलिए तुम्हारे डैडी नहीं चाहते कि तुम उससे मिलो। इसलिए कि वो गरीब है, वही पुराना घिसा पिटा ख्याल, वही अमीरी और गरीबी की कहानी जो हजारों बार दोहराई गई है। लेकिन मम्मी डैडी से कह दीजिए ये कहानी मेरी जिंदगी के साथ नहीं दोहराई जाएगी। विकी, मम्मी एनी आपकी नजर में कुछ नहीं है, मामूली है, गरीब है, लेकिन मेरी नजर में बहुत कुछ है। देख लिया तुम्हारे लाड प्यार ने इसे कितना गुस्ताख बना दिया है। बच्चे की जिद को गुस्ताख है ना समझिए, वो तो तुम्हारा मतलब क्या है आखिर? बच्चे जब रूठ जाते हैं तो माँ बाप उन्हें मनपसंद खिलौने देकर मना लेते हैं, वरना उनका दिल टूट जाता है। देखो पद्मा, अगर खिलौने के नाम पर तुम्हारा इशारा डेविड की लड़की की तरफ है तो विकी का दिल टूट जाना ही बेहतर है। दिलों के टूटने से कितनी तकलीफ होती है ये वही जानते हैं जिनके दिल टूट जाया करते। हिम्मत से काम ले अनी, मोहब्बत की है तो हालात का सामना करना भी सीख। सलमा, विकी साथ हो तो बड़े से बड़े तूफानों का मुकाबला कर सकते हो। सलमा, मुझे एक बार विकी से मिला दे, सिर्फ एक बार, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो फिक्र मत कर अनी, खुदा ने चाहा तो मिलने की कोई ना कोई सूरत जरूर निकल आएगी। अरे खुदा के वास्ते इस चक्कर से बाहर आ जाओ मियाँ, अभी तुम्हारी मोहब्बत के रास्ते में ये पहली रुकावट थी और इसी तरह अगर तुम्हारी मोहब्बत का कारवां चलता रहा तो रुकावटों के ढेर लग जाएंगे। जिंदगी की छोटी मोटी रुकावटें मुझे एनी से अलग नहीं कर सकती हैं। असलम, मैं एनी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन आज संडे है, डेविड अंकल घर पे होंगे और फिर कॉलेज भी तो बंद है। इसलिए तो मैं आई हूँ, मैंने सोचा आज संडे है तुम घर बैठे बोर हो रहे होंगे तो मैं आ गई। चलोगे बाहर घुमाए? नहीं निशा, मेरा मूड नहीं है। घर में रहोगे तो मूड ठीक कैसे होगा? घर से बाहर जाओगे तो मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है नहीं, जाओ उसी रेस्टोरेंट में जाओ जहाँ हमने पेस्ट्रीज खाई थी, आप ले जाइए उसे। चलिए विकी, चले जाइए आप। क्या था? मेरा फोन आया, मैं जाकर देखता हूँ। योर ऑर्डर। एक्सक्यूज मी, इट्स माय। हेलो, या असलम हियर। असलम कहाँ से बोल रहे तू? बहुत करीब से बोल रहा हूँ। करीब? सामने देख, बाएं देख, दाएं देख, पीछे देख। क्या बकवास कर रहा है यार तू असलम? अरे पीछे मुड़कर तो देख। आदा आदा। असलम तू? विकी, 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 विकी
प्लीज। तो अबे पब्लिक प्लेस है छोड़। अरे जाना हुजूर, ये पब्लिक प्लेस है, आप एनी को लेके तशरीफ ले जाइए। खान साहब आओ। डेविड, आपने मुझे याद किया साहब। हाँ डेविड, ये इस कागज पे साइन कर दो। कागज? कैसा कागज? तुम्हारा इस्तीफा। मजबूरी है डेविड, तुम्हारी और राय साहब के खानदान की भलाई इसी में है कि तुम ये शहर और नौकरी छोड़ के अपनी बेटी के साथ कहीं दूर चले जाओ। कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करके खुद मुख्तार जिंदगी बसर करो। इस काम के लिए राय साहब ने तुम्हारे लिए ये ब्लैंक चेक भेजा है, रकम अपनी मर्जी के मुताबिक भर लो। खान साहब, हमारे मालिक कभी मेहरबान हो जाते हैं और कभी नाराज। हम गरीबों की तो समझ में नहीं आता कि हम उनकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करें या उनकी नाराजगी का गिला। डेविड, ये चेक ले लो, तुम्हारे काम आएगा। खान साहब, अगर आप मुझे नौकरी छोड़ने की रिश्वत देना ही चाहते हैं तो उसी तरह सबके सामने दीजिए जिस तरह एक दिन आपने मुझे मैन ऑफ द फैक्ट्री का खिताब दिया था। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइए हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते हैं। विक्की, ये क्या तरीका है बिना नौकरी की ऑफिस में घुसाना? इंसान के कुछ उसूल भी होने चाहिए, कुछ मैनर्स, कुछ एटिकेट। बगैर किसी कसूर के फैक्ट्री के किसी वर्कर को नौकरी से बाहर निकाल देना, ये कहां का असूल है डैडी? विक्की, तुम्हें हमारे फैक्ट्री के मामले में दखल देने का कोई हक नहीं। लेकिन ये तो जान सकता हूं कि मिस्टर डेविड ने किया क्या है, हड़ताल की है, मजदूरों को भड़का है या फैक्ट्री से माल चुरा है? अगर वो फैक्ट्री से माल चुराता तो हमें इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन उसने हमारे घर के अनमोल मोती को चुराकर उसे अपनी बेटी के गले का हार बनाने की कोशिश की है। डैडी, अगर आप ये समझते हैं कि मिस्टर डेविड को नौकरी से बाहर निकाल देने से यह मसला हल हो जाएगा तो यह आपकी गलतफहमी है। ये प्यार का मसला है, प्यार से हल होगा, नफरत से नहीं, दुश्मनी से नहीं। That's all I can say। फैक्ट्री जाएंगे और देखेंगे कि किस वर्कर में इतनी हिम्मत है कि हमें सामने पाकर वो काम पर वापस ना आए। ये भी तो हो सकता है कि वर्कर्स आपका हुक्म मानने से इनकार कर दें इसलिए कि आपका बेटा उनके साथ है। अब वो इतने कमजोर नहीं है, उनके हाथ में आपकी तलवार है। मेरी राय मानिए, डेविड को फिर से वापस रख लीजिए। आबिद, आखिर तुम चाहते क्या हो, हम एक मामूली वर्कर से हार मान जाए? औलाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं समझ लूंगा।
आप लोग अपने अपने काम पे चले जाइए। डेविड को वापस रख लिया गया। रंजीत, बेटे की जिद के सामने आज राय साहब को झुकना पड़ा और डेविड को वापस नौकरी पर रखना पड़ा। देख लेना, एक दिन इसी जिद की वजह से ऐनी उस घर की बहू बन जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए राय साहब के घर की बहू सिर्फ निशा बनेगी। लेकिन जेडी कैसे? जेके, यस सर। आज रात ऐनी को किडनैप कर लो। कम इन मिकी। अंदर आइए। हम तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं। डेविड को फिर से नौकरी पर रख लिया गया। साथ ही साथ हम ये भी देखने आए हैं कि वो कौन सी चिंगारी है जो हमारी खुशियों को जलाकर राख कर देना चाहती है। वो कौन सी आंधी है जिसने हमारे बेटे की आंखों में इस कदर धूल झोंक दी है कि वो अपने मां बाप तक को नहीं पहचानता। और वो कौन सी शह है जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो बागी बन गया है। उसने तुम्हारे लिए सिर्फ अपने बाप से बगावती नहीं की बल्कि अपने बाप को हारने पर मजबूर कर दिया। देख लड़की, वो तुझसे बेहद मोहब्बत करता है, क्या तू भी उससे उतनी मोहब्बत करती है? ये झूठ है। तुम्हें विक्की से मोहब्बत नहीं, हमारी करोड़ों की दौलत से मोहब्बत है। नहीं अंकल, अंकल ये गलत है। अंकल अगर ये गलत है लड़की और तुम्हें विक्की से वाकई मोहब्बत है तो उसकी भलाई के लिए तुम्हें उसे भूलना होगा, उसकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाना होगा। और इतने ही नहीं बल्कि अपने आप को बेवफा साबित करके उसके दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना होगा। बोलो, खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? मैं क्या जवाब दूं? आप ही बताइए, क्या मोहब्बत का सबूत बेवफाई से दिया जाता है? मैं विकी की जिंदगी से तो क्या अपनी जिंदगी से भी दूर हो जाऊं अगर मुझे इस बात का यकीन हो कि मुझसे दूर रहकर विकी खुश रह सकता है। आओ क्रांतिकारी, नारेबाजी से फुर्सत मिल गई तुम्हें? इनकलाब का शौक पूरा हो गया तुम्हारा? डरी ना ही मैंने नारेबाजी की और ना ही मुझे इनकलाब का शौक है। मैंने तो सिर्फ सच्चाई का साथ दिया है। आपने मिस्टर डेविड को बिला वजह नौकरी से बाहर निकाल दिया, इसलिए मुझे मजबूरन उनके हक में खड़ा होना पड़ा। अपने बाप के खिलाफ आवाज बुलंद करने को मजबूरी कहते हो तुम? जानते हो, अमरीश राय ने आज तक हालात के सामने समझौता नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें वो भी करना पड़ा। हमें शर्म आ रही है कि अपनी औलाद के लिए हमें एक मामूली वर्कर से हार माननी पड़ी। डैडी, लेकिन जो बात गलत तुम है, कल सुबह जाने की तैयारी करो। लेकिन डैड, स्टेट्स, ये रहा तुम्हारा टिकट। मम्मी, डैडी से कह दीजिए कि मैं स्टेट्स वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन बेटे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मम्मी, आपसे, क्या आपने मुझे पाल पोस के इसलिए बड़ा किया कि जब मैं चलने लगूं मेरे पैरों में सोने की जंजीरें पहना दी जाए, बोलने लगूं तो मेरे फोटो पर खानदान की इज्जत की मोहरें लगा दी जाए? अरे आपने मुझे दौलत के ढेर के नीचे इस तरह दबा दिया है कि मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। विक्की बेटे, अपने डैडी के प्यार को गलत मत समझो। ये कैसा प्यार है मम्मी? बोलूं तो डैडी की जबान से, सोचूं तो डैडी के दिमाग से, और देखूं तो डैडी की नजर से। जिंदगी को अभी तुमने देखा ही कहा है साहबजादे। जिंदगी को देखना है तो हमारी नजर से देखो। जिंदगी एक बुलंद इमारत है जिसकी बुनियाद कुछ उसूलों पर टिकी होती है। जिंदगी को मेरी नजर से देखिए डैडी। जिंदगी एक खूबसूरत लड़की है जिसका नाम है ऐनी।
जिसकी नामुराद मोहब्बत ने तुम्हें इतना बदसबान बना दिया कि तुम अपने बाप से बात करने का सलीका तक भूल गए। वो दो कौड़ी की छोकरी तुम्हारे लिए जिंदगी में सब कुछ हो गई, और माँ की ममता, बाप का प्यार, ये कारोबार, ये बंगले, ये मोटरें, ये शान शौकत, ये तोहफे, कुछ नहीं। आप अपने तमाम तोहफे वापस ले लीजिए डैडी, लेकिन मुझे अपना वो तोहफा दीजिए जो जो आपके लिए मिट्टी है और मेरे लिए सोना। हरगिज नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो विकी, हमारी फैक्ट्री के मामूली वर्कर की बेटी इस घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। ए माइकल, माइकल तेरी एनी, एनी माइकल, टीटू की साइकिल में क्या हुआ? ऑर्डर दिया कल शाम तक आ जाएगी। एनी को देखा? एनी अभी अभी तो अंदर थी। अंदर? चिंता तो करती है आंटी, विकी अभी बच्चा है, नाराज होकर चला गया है। हाँ आंटी, एक दो दिन में आ जाएगा। मैं जानती हूँ उसे, वो बहुत जिद्दी है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो कमबख्त, छोड़ दो मुझे राइट आप तो मिलना है, छोड़ दो इसे। राय साहब मेरी खुशियां मुझे लौटा दीजिए, जिंदगी मुझे वापस कर दीजिए। मैं वादा करता हूं मैं उसे लेकर यहां से इतनी दूर चला जाऊंगा
कि विकी मास्टर तो क्या उसका ख्याल तक भी ना पहुंच सके। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहा हूँ? अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ राय साहब, अपनी एन की बात कर रहा हूँ, जिसे आपके आदमी आपके हुक्म से उठा कर ले गए हैं। हम पर इतने घटिया इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? डेविड, हमने तुम्हें मैन ऑफ द फैक्ट्री का खिताब देकर इज्जत बख्शी और तुमने हमारे एहसानों का बदला इस तरह से चुकाया। तुमने हमारे भोले भाले बेटे को अपनी बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार करवाया ताकि तुम्हारी बेटी की शादी हमारे बेटे से हो जाए और वो करोड़ों की मालकिन बन जाए। लेकिन जब हमने तुम्हारे नापाक इरादों और उम्मीदों पर पानी फेर दिया तो तुमने हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काया, हमारे घर में बगावत की आग लगा दी और अब अपनी बेटी के किडनैपिंग का नाटक रचाकर हम पर घटिया इल्जाम लगा रहे हो। बस साहब, मुझ पर जुल्म करके मुझी पर मक्कारी का इल्जाम लगा रहे हैं आप। लेकिन मत भूलिए, जुल्म की तलवार दो धारी होती है, अगर वो मजलूम को मारती है तो जालिम को भी काटती है। साहब, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो आपका बेटा भी नहीं बचेगा। डेविड, आपका बेटा आप ही के बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। क्या बकते हो, कहां है मेरा बेटा? साहब, विकी एनी को बचाने आप ही के गुंडों के पीछे गया है। क्या वो मेरे बेटे को? बोलो, जवाब दे दो, इसने मुझे मार दिया। जिगर, ये सब नाटक इसी का किया धरा है। इसने अपनी बेटी की किडनैपिंग का नाटक रचा है और साथ ही विकी को भी फंसा लिया है आपकी उसे तकलीफ देकर आपसे बदला ले सके। वाह रंजीत बाबू वाह, दौलतमंदों की चमचागिर कोई आपसे सीखे। चुप, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। इसकी जरूरत नहीं राय साहब, मैं खुद ही चला जाऊंगा और फिर ऐसी जगह रुकने से फायदा भी क्या, जहां इंसानों के दिलों में हमदर्दी और फितरत में इंसाफ ना हो। मैं तो यहां एक फरियाद लेकर आया था, मुझ गरीब को क्या पता, यहां तो मुल्जिम भी आप, जज भी आप, गवाह भी आपके और अदालत भी आप ही। सोच के रहे हैं, कुछ भी कीजिए, मेरे विकी का पता लगवाइए। आबिद, सारे अखबारों में विकी की फोटो छपवा दो और साथ ही यह भी ऐलान करवा दो कि विकी के ढूंढने वाले को 1,00,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। हेलो बॉस। हाँ बोलो जेके। काम तो हो गया है लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? एनी के साथ साथ विक्की भी हमारे कब्जे में आ गया। क्या? वो एनी के घर पर था और न जाने कैसे वैन के पीछे लटक गया और हमें मजबूरन उसे पकड़ना पड़ा। ठीक है, ऐसा करो, उन दोनों को आज रात हमारे लग्जरी बोट में रखो, सुबह फोन करना। मिस्टर विकी, आज रात तुम दोनों यहीं रहोगे, तुम्हारे रहने और खाने का बंदोबस्त कर दिया गया। यार दैट्स ग्रेट यार, बस खाने के लिए क्या क्या है? मिस्टर विकी, हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे, समझे? Easy, Annie. Easy, easy. Wow. Wow. This is like a palace, Annie. Wow. खाने के लिए biscuits हैं, juices हैं. कुछ लोगी? क्या हुआ? सर्दी लग रही? कपड़े भी गीले हैं ना? ये cabin? इस cabin में चादर होगी. जा change कर लो. नहीं विक्की. Change कर लो Annie. कपड़े गीले हैं. बुखार हो जाएगा. Come on, change. Change fast, huh? Style है इन लोगों का। Annie, चादर मिली? मिल गई। Change fast, Annie. Change fast. Biscuits, biscuits, biscuits. विकी, ये लोग कौन है विकी?
हम लोग कहाँ फंस गए? अरे फंसे फंसे कुछ नहीं हैनी, और ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे डैडी के आदमी है ये। नहीं विक्की, मैं नहीं मानती, अंकल ऐसा नहीं कर सकते। अरे हैनी तुम अच्छी हो इसलिए दूसरों को भी अच्छी नजर से देखती हो। कुछ भी हो विक्की, मेरा दिल नहीं मानता। हैनी लेकिन लोगों ने जो कुछ भी किया अच्छा है तो किया, हमें अलग करने के बजाय करीब तो कर दिया। लेकिन विक्की, ओफो हैनी, अब अच्छा हैनी, यहाँ नहीं बाहर। लेकिन हैनी तुम्हें डर लगेगा। मुझे कोई डरवा नहीं लगता। तुम्हें डर नहीं लगता हैनी? लेकिन मुझे तो लगता है। उफ़ विक्की, हैनी मुझे डर लगेगा। हाँ। नहीं हैनी मैं अंदर सोऊंगा। हैनी नहीं कह देती है रे। ठीक है हम बाहर बैठे हैं, अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे अंदर बुला लेना वरना तुम खुद बाहर आ जाना। विक्की तुम चुपचाप सो जाओ। चुपचाप सो जाओ कैसे सो जाए? चुपचाप तुम अंदर में बाहर। क्या हुआ नहीं? क्या हुआ? तुम डर गई? इससे हम विक्की को बाइज्जत उसके बाप के हवाले कर देंगे और उसका इनाम भी नहीं लेंगे, सिर्फ 1 करोड़ रुपया रैंसम के तौर पर लेंगे। तुम ऐसा नहीं करोगे। जेडी निशा ठीक कहती है, एक बार इसकी शादी हो जाने दो फिर सारी दौलत तो हमारी हो ही जाएगी। एक बात बताइए मैडम, जो लड़का ऐनी के लिए अपने बाप के खिलाफ बगावत कर सकता है, अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, क्या वो उस लड़की के मरने के बाद आपसे शादी करेगा? ये सोचना मेरा काम है। लेकिन जेडी इसमें बड़ा रिस्क है। रंजीत, 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मिस्टर विक्की बाहर आओ। मिस्टर विक्की, यू इडियट्स, कैसे भागे वो लोग? वो हम लोग बोट में थे वो लोग, लेकिन वो शट अप, ये है तुम्हारा मैनेजमेंट, उन दोनों को नहीं संभाल सके। विक्की अगर राय साहब के पास पहुंच गया तो हम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिक्र मत करो रंजीत, किडनैप मेरे आदमियों ने किया है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। सुनो, अगर वो दोनों पकड़े नहीं गए तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम अच्छी तरह जानते हो।
रानी के इलाके में ये शहरी कबूतर कौन? ये कबूतर तो सोने का है रानी, इसके बाप ने 1,00,000 रुपया इनाम रखा है। ये देखो मेरे दिल पर जानी। जवानी की कसम, मैं हूँ आग मेरी जान, मैं हूँ शोला मेरे जान। जल जाएगा तन तेरा, मुझे जवानी की कसम, मैं हूँ आग मेरी जा, मैं हूँ शोला मेरी जा। चोर हसीनों से बचना जरा, समझा करो जमाना है बुरा। चोर हसीनों से बचना जरा, समझा करो बिकी जमाना है बुरा। ए, मौसम है रंगीन, तमन्ना है जवान, ये जवानी का कमा फिर आएगा कहां। आग में पानी छिड़कती है क्यों? मैं हूँ जन जा, मेरे होठ पे लगा होठ के निशाना। छेड़ना मुझे जवानी की कसम, मैं हूँ आग मेरी जान, मैं हूँ शोला मेरी जान। चोर हसीनों से बचना जरा, समझा करो जमाना है बुरा। चोर हसीनों से बचना जरा, समझा करो बिकी जमाना है बुरा।
कहाँ लेके जा रहा है मेरे को? रानी मेरे को लेते जा रहे हैं रानी। विकी, I love you. I love you, विकी. विकी, I love you. मगर रानी उस लाख रुपए का क्या होगा? नहीं, ये दोनों मोहब्बत करते हैं। चलो हो ना हो असलम, इसमें निशा का हाथ है। वो कैसे? निशा और विक्की की मंगनी होने वाली थी और विक्की एनी से मोहब्बत करता है। जरा सोचो असलम, एनी और विक्की की मोहब्बत से नुकसान किसे होने वाला था? सोचो विकी। यानी तुम्हें भूख लगी है ना? देखते हैं कहीं से खाने का बंदोबस्त करते हैं। हनन! अब अपनी जिंदगी की फुलझड़ी खत्म हो गई है। भिड़ू अपन ऊपर आने लाए, अब मरेगा श्री रामचंद्र की। अरे क्या कर रहा तू? अरे नंबर का चश्मा लगा, तेरे को दिखता नहीं, अपन मर रहे लाए। क्यों? अरे वो अपन का डायरेक्टर है ना चिंचपोकली गिड्डू, और वो प्रोड्यूसर शुदसानी फिल्म का अपने को नौकरी से निकाल देगा बोलता है रे। लेकिन क्यों भाई? अरे हमारा फिल्म का हीरोइन वो बदमाश प्रोडक्शन कंट्रोलर लड़की के साथ भाग गया बाप। ओह, ये बाबा तुम्हारे साथ ही चुन्नी मुन्नी बालिका कौन है बिड़ू? अरे बिड़ू इसको बोलना अपने फिल्म में 2 मिनट के वास्ते हीरोइन बन गई तो अपनी जिंदगी पार, नहीं तो खलास, पैसा भी मिलेगा इसको। अनी, अनी, नहीं। अनी ये काम कर लो, हमें भूख लगी है, वो लोग हमारे पैसे ले गए। 2 मिनट की तो एड फिल्म है, पैसे भी। सर ये घोड़िया देखने के लिए, लड़की देखने के लिए व्यू फाइंडर है सर। थैंक यू थैंक यू। खला रॉली फॉरवर्ड। वाह वाह क्या बात है, अरे बब्बन बहुत अच्छी ढूंढ लाया है। खलास ये बोल लेती है ना? बहुत बोलती है सर। देखिए मैडम, मेरे सीन का पहला डायलॉग है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जरा खुश होके बोलिए और इमोशनल। हाँ, अंदर से अंदर बोलो बोलो फिर से। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे वाह 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 क्या बोलती है बबन, क्या बोलती है। हीरो कैसी रहेगी? बबन सर मुझे ऐसा लगता है कि अपने हीरो के लिए बहुत छोटी रहेगी। सर स्टूल पे खड़ा करके लंबा कर लेंगे। डायरेक्टर बुला। प्रोड्यूसर अरे छोटी है इसलिए तो कम पैसा लेगी ना। गो एंड शूट। चलो शूट शूट बाबा। ये सर खलास बब्बन। सर इस पिक्चर का डायरेक्टर कौन है? शायद आप हैं सर। शायद नहीं मैं ही हूँ। गेट आउट। खलास बेबी जी देखो मेरे सीन के अंदर इमोशन चाहिए, पेथोस चाहिए, ये हाथ यहाँ रखो।
और करीब आओ और बोलो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं सर। बब्बन सर, बेबी की ड्रेस तैयार है। देखता हूँ सर। देखता नहीं हूँ, जाके देखो। यस सर, अभी आ। बेबी 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 आप बता रहे थे ना क्या करना है। मैं कह रहा था कि ये बाहें मेरे गले में डाल दो। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा सीन करोगी और नदी का शाबाश, ये पिक्चर जरूर हिट हो जाएगी। बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम पर बहुत मेहनत करूंगा। Excuse me. अरे तुम अभी तक यही खड़े हो। बम्बन। यस सर। इनको जल्दी जल्दी करके कपड़े पहना दो। आवड़ो। और बेबी तुम भी जल्दी से जाकर कपड़े पहन लो और तैयार होकर शॉट के लिए आ जाओ। जाओ। अच्छा चलो। छिंगार काजल फाइवन ठीक एक्शन। तुम्हारी आंखों में गजब का जादू है। ये जादू तो श्रृंगार काजल का है जो आपको मुझ तक खींच लाया। श्रृंगार डीलक्स काजल, श्रृंगार डीलक्स काजल। अरे वाह बेबी, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो ओवर नाइट स्टार हो जाओगी। थैंक यू सेठ जी, एकदम फर्स्ट क्लास आला ग्रांड। अरे ऐसे कैसे जा सकती हो, हमने तो तुम्हारे लिए चाइनीज खाना मंगवाया, शुद्ध शाकाहारी भोजन। मौसम है रंगीन तमन्ना है। अरे वाह, जब तुम उसके बहू में बाहर डाल के नाचे थे तब। बस बस ठीक है। क्या खाएगी? प्यार से पूछो ना एनी, तुम क्या खाओगी? एनी, तुम क्या खाओगी? मैं तुम्हें खाऊंगी विक्की। मुझे? मुझे खाएगी। लो ये पेपर पढ़ो पढ़ो। पेपर यू नहीं पढ़ते, यू पढ़ते। ये हिंदी में मराठी में नहीं, मुझे मराठी पढ़ना आता है, हिंदी नहीं। मराठी पढ़ना क्या पढ़ोगे? नहीं मेरा मतलब है अब क्या खाओगे? तो सब्जी लाओ, दाल लाओ, तीन चार रोटियां लाओ हमारे लिए, बाकी जो कुछ है इस होटल में ले आओ। और फुफन सिंह सामने तीन ग्लास पानी मार। नींबू भी ले आना। विक्की फॉरगेट नाउ, आई लव यू विक्की, आई लव यू। लाख रुपए नाम, लाख रुपए, मैं लखपति बन गया लक्ष्मी। अरे यो क्या रे? अया लक्ष्मी, अरे तेरे को शादी पति दम नहीं दे हम करेगा जी। अरे हट रे, मैं तेरा तम्बा फाड़ दूँगा। हम तम्बा को बाहर देगा जी। मंगलू को पहचाना छोकरे? तुझसे मुझे कोई बैर नहीं, लेकिन तेरे घमंडी बाप को सबक सिखाने का इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिलेगा।
तुम्हारे विक्की को। अब कैसे बचेगा मुझसे? उधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। तुम ठीक हो ना? या अरे अमरीश राय के बेटे, जहां छुपा है बाहर आ जा। विक्की, अरे तुम यही रहो, मैं भी आया। नो विक्की, वो आदमी तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें मेरी कसम। नो विक्की, कम ऑन अरे, प्लीज कम, प्लीज। नो नो विक्की, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। विक्की विक्की, यू प्रॉमिस टू बी केयरफुल? या अरे, आई प्रॉमिस। Vicky, be careful, Vicky. Ma bien, Annie. Ma bien. Vicky, Vicky, you promise to be careful, Vicky. Yeah, Annie, ma bien. Come back, ma bien. Vicky. Vicky, come back.
भर जानिया अब तो आ जा, ओ दिल भर जानिया अब तो आ जा। इस दिल ने पुकारा है तू मेरा सहारा है। दिल भर जानिया अब तो आ जा, दिल भर जानिया अब तो आ जा। दिल भर जानिया अब तो आ जा, ओ दिल भर जानिया अब तो आ जा। इस दिल ने पुकारा है तू मेरा सहारा है। दिल भर जानिया अब तो आ जा, ओ दिल भर जानिया अब तो आ जा। प्यार के गीत दे मेरे हाथों में फिर प्यार का साथ दे। ओ ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे दर बदर, किस गली में है तू मुझको आवाज दे। कहाँ है वो? कहाँ है विक्की? मुझे जाओ बदमाश। नहीं नहीं मुझे मेरे विक्की से बात करनी है। कहाँ है? चुप रहो बदमाश। भाभी जी को डांटिए मत राय साहब, माँ का दिल है ना। तुम कौन हो? माँ बेटे को मिलाने वाला। कितना पैसा चाहते हो? सिर्फ 1 करोड़ रुपया। इसके अलावा अपने बेटे का सदका उतार के जो भी दे देंगे हम आपका नजराना समझ के रख लेंगे।
मिलने की जगह पीली घाटी, रेलवे फाटक के उस पार। कौन है? क्या सोच रहे हो? वो जितना पैसा मांगता दे दीजिए ना। असलम, ये क्या मजाक है? एक मिनट अंकल, जरा इसे देखिए। आप शौक से शादी कीजिए मैडम, लेकिन हम तो पुरोहित हैं, यदि विवाह से पहले हम लड़के वालों से दक्षिणा ना लें तो हमारे धर्म का अपमान होगा। अरे भाई, ये ले लेने दो दक्षिणा, इस दक्षिणा में हमारा भी तो हिस्सा है। ए चारे राय साहब, जीत यू बास्टर्ड। आइए राय साहब, आइए। हमारा मेहनताना, रकम तो आप जरूर ले आए होंगे, मगर ये रकम हम उस नमक हराम को देंगे, उस सांप को देंगे जो हमारी आस्तीन में पला और हमें ही डस गया। गंजर कमीने, जितनी रकम के लिए तूने ये जलील और नीच हरकत की, उतनी रकम तो हम अपने बेटे की शादी में तुझे दान कर देते। मुझे बहुत अफसोस है अंकल, इस बात का नहीं कि मैं रंगे हाथों पकड़ा गया, बल्कि इस बात का कि हमारा परसों पुराना रिश्ता टूट गया। अब मेरी बहन की शादी एक करोड़पति खानदान में नहीं होगी। इस नुकसान की पूर्ति एक करोड़ रुपए में तो होगी नहीं, इसलिए कम से कम 2 करोड़ रुपए तो दीजिए। एक काम कीजिए अंकल, ये बैग यहीं छोड़ जाइए और दूसरा बैग ले आइए, अभी आपको आपका विक्की मिलेगा। कुत्ते के आगे कितनी ही रोटियां डाल दो, उसका पेट कभी नहीं भरता। राय साहब, कुत्ता रोटी के लिए दुम हिलाता है, इसीलिए दुत्कार दिया जाता है। अगर मुझे पेट भर रोटी नहीं मिली तो मैं आपके खानदान को हिला कर रख दूंगा। मैडम, आपने विक्की और एनी को देखा है? उस तरफ गए हैं। चलो। बहुत प्यार करता था ना इस लड़की से। Yeah!
हम कहाँ जा रहे हैं विकी? इन पत्थर दल इंसानों की बस्तियों से बहुत दूर। लेकिन लेकिन हम कब तक भागते रहेंगे विकी, कब तक भागते रहेंगे? एनी, अभी तो हमारे प्यार का सफर शुरू हुआ है और हमें तो वहाँ जाना है जिसे लोग होराइजन कहते हैं, जहाँ सूरज डूबता है, जहाँ सुहानी शाम ठंडी ठंडी पुरवाई के साथ गाती इठलाती प्यार करने वालों का स्वागत करती है और प्यार के मारों से कहती है, यहीं रुक जा, यहीं पड़ाव डाल दो, मैं तुम्हें रहने के लिए फूलों की जमीन दूंगी, आसमान की छत दूंगी और घर की सजावट के लिए खूबसूरत सितारे। हाँ हाँ मंगलू, आज मेरा इंतकाम पूरा होगा, वो देखते ही मौत।